हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, सभी के सुहाग बने रहें, सबकी खूब लंबी आयु हो। और देखिए, मैंने मेहंदी लगा ली है एक हाथ पर, ठीक है, पीछे भी लगा दी है और आगे भी, ये देखिए मेहंदी लग चुकी है मेरी और एक हाथ रह गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। खाना खाऊंगी पहले, उसके बाद इस हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी, ठीक है। और ये सीधे हाथ से लगाई उल्टे हाथ पे, अब उल्टे हाथ से लगाऊंगी सीधे हाथ पे। और पैरों की भी मेहंदी लगा ली है, थोड़ी सी लगाई है पैरों पे, ठीक। पैरों पे भी देखिए थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है पैरों पे, शगुन के लिए, थोड़ा सा शगुन हो जाएगा मेहंदी का। और कल सुबह के लिए यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह भी मंगा ली मैंने। मैंने कहा सुबह सुबह फिर अभी काट के रख दूँगी मेहंदी हटा के थोड़ी सी, या हेल्प करेंगे बच्चों से कटवाऊंगी तो काट के फ्रिज में रख दूंगी सब्जियां। जैसे गोभी हो गई वो काट के रख सकती हूँ, गाजर हो गई वो काट के रख सकती हूँ, मटर वगैरह छील के रख दूंगी। तो मिक्स वेज बनाऊंगी शायद कल। और सेब मंगा लिए थे, करवा मंगा लिया है, खांड करवा मंगा लिया है मैंने। और सुबह ये ड्यूटी जाएंगे हस्बैंड और बेटा जाएगा बड़े वाला, तो इनके लिए बनाऊंगी मूली की भुजी, और जो कि अभी काट के उबाल के और फ्रिज में रख दूंगी। और सुबह केवल छौंकना रहेगा क्योंकि जल्दी निकलेंगे दोनों, सुबह 7 बजे ही निकल जाएंगे, तो मुझे उठना होगा 5 या 6 बजे उसके लिए, तो काट दूंगी। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है दोस्तों, इस समय मौसम चेंज हुआ है ना एकदम से, तो कोल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा, गले में बहुत दर्द है और 2 दिन तो फीवर भी रहा है, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी गले में दर्द है और कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा। और देखिए मेरी आवाज़ बदल चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा। रात के 3 बजे से जगी हुई हूँ मैं, कल रात को 3 बजे से जगी हुई हूँ, बिल्कुल नींद नहीं आई क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और क्योंकि पानी भी नहीं पी सकती थी इसीलिए कुछ कर भी नहीं सकती थी कि गर्म पानी वगैरह पी लूँ। तो ये सभी को करवा चौथ की बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएँ, सबके सुहाग बने रहें, मेरा सुहाग भी बना रहे, आप सबके भी सुहाग बने रहे, सबकी लंबी आयु हो। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने करवा मंगा लिया है, ये एक मिट्टी का करवा रखा है और एक ये है स्टील का करवा। ये मेरे मायके से आया था, पहली करवा चौथ थी जब, तो एक अकेला करवा नहीं रखते इसलिए मैंने 2 करवे रखे हैं यहाँ पर। तो अभी जब मैं पूजा करूँगी तो इसके ऊपर सामान वगैरह रखूँगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कुछ सामान मंगाया था मैंने, ये ले आए थे मखाने थे, 2 मखाने के पैकेट हैं। दोस्तों बाहर से आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर करिएगा। और इसमें क्या है, इसमें शायद बादाम है। और अभी तैयार नहीं हुई हूँ फ्रेंड्स, तैयार होंगी अभी। मूंगफली है दोस्तों इसमें, क्योंकि व्रत में कई बार हम इकाशी का व्रत रखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें मूंगफली वगैरह भी खाने की चाहिए होती है। और इसमें है काजू, ये बादाम। तो ये थोड़ा सा सामान मंगवाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं तैयार होंगी। और ये देखिए साड़ी जो है, ये मेरे पति देव ने दिलवाई है मुझे इस करवा चौथ पे, ये देखिए सिल्क की साड़ी है ये, और रेड कलर की है क्योंकि रेड कलर मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है और मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। तो इसलिए सब ने डिसीज़न लिया कि मम्मी रेड कलर की साड़ी लो आप, बच्चों ने कहा मम्मी रेड कलर की साड़ी लो, तो हस्बैंड ये साड़ी दिलवा के लाए हैं मेरे को। और ब्लाउज़ भी रेडी है दोस्तों, ये इसका ब्लाउज़ है, प्लेन प्लेन ब्लाउज़ है इसमें, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ये चूड़ियों का मैंने सेट बनाया है, इसमें बीच में कड़े वगैरह मिला लूँगी, मेरे पास मेटल के कड़े भी हैं तो बीच में मिला के देखूँगी, अगर अच्छे लगेगा, अच्छे लगेंगे तो मिलाऊँगी, ठीक है। और ये है कुछ मेरे, आज मैं पहनने वाली हूँ, मैं सोचूँ मैं गोल्ड पहनूँ तो ये मैं सेट पहनूँगी, साथ में पहनूँगी झुमकियाँ गोल्ड की और मंगलसूत्र। और ये पायल है, ये मेरी पुरानी पायल है, ये मैंने साफ़ करवाई थी, और ये पायल जो है ये अभी मैं नई लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये या तो मैं ये वाली पायल पहनूंगी, ये देखिए अच्छा डिज़ाइन है इन पायल का, ठीक है, तो ये पायल पहनूंगी, और या तो ये वाले बिछवे पहनूंगी, नहीं तो मेरे पास और भी बिछवे रखे हैं काफ़ी सारे,
उनमें से भी कोई से पहन सकती हूँ मैं। तो जी फ्रेंड्स, करवा चौथ जो होता है ना, लेडीज़ का पसंदीदा त्यौहार होता है हम सबका। हम अपने सब अपने हस्बैंड्स के लिए रखते हैं ये व्रत, सब पत्नियाँ अपने पतियों के लिए रखती हैं ये व्रत। तो आज का दिन औरतों के सजने संवरने का दिन होता है, तो उनको ज़रूर टाइम देना चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए कि वो अच्छे से तैयार हो जाएं और आज का जो दिन है ना उसको एकदम खुश खुशगवार बना के रखो। बिल्कुल खुश रहें, खुशी वाला माहौल रहना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो पूरे दिन फास्ट रखती हैं, पानी तक नहीं पीती। तो ये बहुत मतलब अपने और दिल से खुश होकर रखती हैं। वैसे आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, वो घर पे नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, सुबह सुबह हमने मैंने उनको हैप्पी करवा चौथ बोल दिया, उन्होंने भी मुझे बोला। और फिर लेकिन देखते हैं अब रात को कितने बजे तक आएंगे, चांद निकल जाएगा तब तक आ जाएंगे या उसके बाद आएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी ही है, कई बार वो देर से भी आ जाते हैं, कई बार जल्दी भी आ जाते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरी इस बार की साड़ी कैसी लगी। पिछली बार मैंने सूट लिया था, इस बार मैंने साड़ी ली है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा अपना तैयार होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी दोस्तों, देखिए मैंने अब मॉइस्चराइज़र लगा लिया है अपने फेस पे। मॉइस्चराइज़र जो है ना उसकी अच्छे से मसाज करनी चाहिए जब भी आप कोई भी मेकअप ले रहे हैं तो। और वैसे भी अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो फेस बहुत रूखा रूखा सा हो जाता है, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है मैंने। तो जी फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, और मेरे को एक घंटा लग गया इस साड़ी को पहनते पहनते। तो ये साड़ी वैसे तो इसका कपड़ा बहुत हैवी तो नहीं है, बट ये इसका जो वर्क है ना ये हैवी है, तो इसकी वजह से ये साड़ी हैवी लग रही है। और जब मैंने इसको शॉप पर पहन के देखा था ना, क्योंकि वो ड्रैप कर रहे थे जो वहाँ पे जिन्होंने मेरे को ये पहना के दिखाई थी ना, उस समय मेरे को लग रहा था कि बहुत लाइट वेट है, लेकिन लाइट वेट नहीं है, हैवी है। और मुझे हैवी में साड़ी चाहिए नहीं थी, बट फिर भी चलो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है साड़ी ये। ठीक है, तो मैं मतलब इसको मैं वो नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही साड़ी को, किस तरीके से इसको पहनूँ समझ में नहीं आ रहा। साड़ी पहन तो लिया मैंने साड़ी, ठीक है, और लेने तो मैं प्लेन साड़ी गई थी, प्लेन रेड बॉर्डर वाली, लेकिन वो मिली नहीं थी हमें प्लेन रेड, तो इसलिए फिर मैंने ये ले ली थी। क्योंकि मार्केट में एक तो समझ में ही नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाती है जाने के बाद में कि क्या लें क्या ना लें। और फिर कुछ मतलब तीन ये मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले ही साड़ी ली है अभी करवा चौथ से, तो वही है बस ले लिया। आप लोग बताइएगा ये साड़ी कैसी लग रही है मेरी और मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सा वो किया है मैंने ना मेकअप, और ये पहना है मैंने गोल्ड का सेट अपना, ठीक है, और झुमकी पहनी है, सब गोल्ड का ही पहना है मैंने इस समय, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं डाला। अब हम कहानी पढ़ रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज फिर मेरे से वहाँ पे नहीं जाया जाएगा, मम्मी के पास में मंदिर, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। बड़ी मुश्किल से साड़ी पहनी है और मेरे को बहुत वीकनेस महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो बस ये तो कथा कहने के बाद में मैं साड़ी चेंज कर लूँगी, तो सूट वगैरह पहन लूँगी लाइट सा कोई, क्योंकि मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सा ही हो रहा है। और क्यों एक बात बताऊँ दोस्तों, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है ना, और थोड़ा सा ये मार्केट वगैरह गए हैं तो भी इन्फेक्शन फैल रहा है, मतलब कि ये जो क्या कहते हैं कोल्ड वगैरह हो रहा है, फैल रहा है एक तरीके से। तो आप लोग भी अगर मार्केट वगैरह जाते हैं ना त्यौहार के सीज़न में, तो मास्क पहन के जाएं, बहुत ज़रूरी है। और मैं मास्क नहीं पहन के गई तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस समय, गला बिल्कुल मेरा ब्लॉक हो चुका है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां एक पटरे पर जल का लोटा रखकर मिट्टी के करवे में गेहूं तथा उसके ढक्कन में चीनी व क्षमता के अनुसार पैसे रखकर रोली अक्षत चावल गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें। करवा चौथ आई तो साहूकार की पत्नी बेटी व बहुओं ने व्रत रखा। रात को साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो अपनी लाड़ी व इकलौती बहन को भी भोजन करने को कहा, लेकिन बहन ने कहा कि भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। इस पर उसके भाई ने नगर की से बाहर आगन रहूंगा, हमेशा मेरा सुहाग बना रहे। चलो
तो जी फ्रेंड्स, खाने में मैंने बनाई है मिक्स वेज, की सब्जी बनाई है। और मैं पूछ रही थी बच्चों से पनीर बना लूँ क्या, बच्चे बोले नहीं मम्मी पनीर मत बनाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं बना रही पनीर। और साथ में बनाई है खीर और पूरी बना रही हूँ। तो ये देखो खीर भी बना रखी है साथ में, ठीक है, और पूरी बना रही हूँ। फिर पूजा करके खाना भेज दूँगी सासू माँ का, ठीक है, क्योंकि शाम को दिन छिपे हमारे यहाँ पूज लेते हैं, तो पूजने के बाद फिर सासू माँ का खाना भेजूंगी। जल्दी से पूरियाँ उतार लेती हूँ अब। चौथ माता मेरे सुहाग की रक्षा करना, जो सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दो माता रानी से। नहीं बैठा जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो और क्योंकि करवा चौथ है और आज हम सारी जो फ्रेंड्स हैं वो मिले हैं आपस में। तो ये मेरी फ्रेंड रेनू और ज्योति, पिंकी, अलका, अंजू। तो आप सभी को हम सब की तरफ से बोलो और ये भी बोल दो कि मेरे चैनल को, ये भी बोलो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब। पूनम ब्लॉगर, ऑल टाइम ब्लॉगर चेंज कर दिया, पूनम शर्मा ब्लॉग्स, पूनम शर्मा ब्लॉग्स। तो हम लोग मिले हैं थोड़ी सी मस्ती करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पतिदेव आ चुके हैं, ड्यूटी से आए हैं अभी और हम जा रहे हैं जल चढ़ाने। चांद निकल चुका है तो चलिए ऊपर चलते हैं, जल चढ़ा के आते हैं। बहुत प्यास लग रही है, गला देखो कैसा हो रहा है। ताला खोल दिया, चलो